हेलो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर के ऊपर। सो ये एयर फिल्टर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे और ये किस तरीके से काम करता है और आप लोगों को क्या क्या परफॉर्मेंस और थ्रॉटल रिस्पांस कितना अच्छा मिल सकता है आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर से, वो इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। सो मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हो एनसी ऑन बाइक। तो अगर आप लोग चाहते हो आपकी बाइक अच्छा थ्रॉटल रिस्पांस और जो है पावर जनरेट करें, तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो आप मॉडिफिकेशन करोगे अपनी बाइक पे वो है आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर का, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने से आपकी परफॉर्मेंस और आपका जो थ्रॉटल रिस्पांस है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो वो कैसे होगा मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एयर फिल्टर होता क्या है। तो बेसिकली हर बाइक पे एयर फिल्टर होता है और जब भी आपके जो कंबशन चेम्बर के अंदर एयर जब पास होती है तो उसके अंदर कभी भी डस्ट ना चला जाए, कोई भी छोटे मोटे डस्ट अंदर ना जा सके, उस चीज के लिए हर बाइक पे जो है एयर फिल्टर होता है। तो आफ्टर मार्केट जो एयर फिल्टर होते हैं वो बने होते हैं फोम से या कॉटन से, और जो ओएम फिटेड होते हैं कंपनी फिटेड एयर फिल्टर जो होते हैं वो पेपर के बने हुए होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप फोम्स वाले अगर एयर फिल्टर यूज कर रहे हो तो दे आर वॉशेबल्स एंड आप रीयूज भी कर सकते हो, एंड जो पेपर फिल्टर्स होते हैं तो कंपनी का मानना ये है कि आफ्टर 15,000 किलोमीटर के बाद जो है आपको वो चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। एंड अगर उससे पहले अगर आपका एयर फिल्टर गंदा हो रहा है तो यू कैन क्लीन इट, आप हवा मार दो तो थोड़ा क्लीन कर सकते हो, बट 15,000 किलोमीटर के बाद आपको वो रिप्लेस करना ही पड़ता है। और वही अगर हम लोग जो है आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर की बात करें तो ये लाइफ टाइम आपको जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज अभी इतना खर्चा आप कर ही रहे हो तो परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, थ्रॉटल रिस्पांस कैसे बढ़ेगी, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इसका जो मटेरियल बना हुआ है वो फोम या जो है कॉटन से बना होता है, तो ज्यादातर आपका जो बाइक के अंदर है जो ना के बराबर डस्ट एंटर होती है, तो जिस वजह से आपका जो कंबशन चेम्बर के अंदर अच्छा खासा एयर फ्लो बढ़ जाता है और उस वजह से आपका जो फ्यूल है वो काफी अच्छे से बर्न हो जाता है। तो बर्न होने के जो अगर आपका फ्यूल अच्छे से बर्न हो रहा है दैट मीन्स आपको जो पावर है आपकी जो गाड़ी जो पावर खींचेगी उस पेट्रोल से तो वो अच्छी तरीके से खींचेगी और परफॉर्मेंस जो है इस तरीके से आपकी बाइक का बढ़ जाएगा। अगर जो है ओएम फिल्टर्स की अगर हम लोग बात करें, अगर वहां पर जरा सा भी लैग खा रहा है या डस्ट अंदर आ रहा है तो उस वजह से जो है फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं होगा और जो अनबर्न फ्यूल रहेगा जिस वजह से कार्बन जमा होगा एंड आपको जो परफॉर्मेंस है उतने अच्छे से नहीं मिल पाएगी आपकी बाइक से और माइलेज भी उतने अच्छे से नहीं मिल पाएगा आपकी बाइक पे से। तो ये था कुछ परफॉर्मेंस और थ्रॉटल रिस्पांस कैसे बढ़ेगा आपका जो ये है आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर्स लगाने के बाद। अभी हम लोग बात करते हैं कि यार अगर आप आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर्स लगा रहे हो तो इसको आप कभी चेंज करना चाहिए आपको। तो अगर आप 15,000 किलोमीटर के बाद अगर आप बाइक सर्विस करा रहे हो तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, आप एयर फिल्टर निकालो, उसको धो लो अच्छे से एंड उसके बाद उसको सुखा कर उसके ऊपर जो थ्रेड्स है लाइन्स है उस पर आपको मिनिमम हल्का सा जो है ऑयल लगाना है। ज्यादा ऑयल मत लगाइएगा नहीं तो आपकी जो बाइक है उतने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, एक्सेसिव ऑयल हो जाएगा इस वजह से। आपको हल्का सा ये ऑयल लगाना है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, या तो कैनन फिल्टर्स के खुद के ऑयल भी आते हैं वो भी परचेस कर सकते हो, या तो कोई भी ऑयल जो है आपको हल्का सा जो है लगाना है, उस वजह से आपका जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है वो आपके कंबशन चेम्बर के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे और आपका जो है बाइक अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और एक बात याद रखना गाइस कि जब भी अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो तो ये मेरे पास नया एयर फिल्टर है, तो जब भी आप नया परचेस कर रहे हो तो उस पे ऑयलिंग करने की कोई जरूरत नहीं, उस पे ऑयलिंग ऑलरेडी की गई होती है। गाइस ये बात करते हैं कि यार आपने आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर तो लगा दिया, अभी आपका जो एयर इनटेक हो रहा है जो बाइक के कंबशन चेम्बर के अंदर वो तो बढ़ गया है, लेकिन आउटफ्लो के लिए आप क्या करोगे? तो आउटफ्लो के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपकी बाइक फ्यूल इंजेक्टेड है और उसके अंदर ऑटो सेंसर होता है ये, तो इस सिनारियो में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी काम हो जाएगा जो भी एडजस्टमेंट होगी एयर और फ्यूल का वो हो जाएगा वाया सेंसर, जो ऑटो सेंसर है उसके थ्रू हो जाएगा। अगर सिनारियो उल्टा है, अगर ऑटो सेंसर नहीं है, तो आपको उस सिनारियो में जो है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा और जो कैटेलिक कन्वर्टर है वो भी हटाना पड़ेगा। और कैटेलिक कन्वर्टर अगर आप हटा भी रहे हो तो वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेक और जेन्युइन आप कैसे पहचानोगे, तो उसका एक आसान तरीका ये है कि जब भी आप एयर फिल्टर ले रहे हो तो उसका जो वेट होगा ऑलमोस्ट 1/2 kg होगा, उससे भी कम, या तो फिर अगर आप स्पेसिफिकेशन में चेक करोगे ना तो वहां पर भी आपको जो है प्रोडक्ट का
जो वेट है वो मेंशन्ड होता है। सो वो वेट चेक कर लीजिएगा, और जो कंपनी का फिट एंड फिनिश है वो भी चेक कर लीजिएगा एयर फिल्टर का। और थर्ड चीज जो है कंपनी का लोगो जो है उसका जो फिट एंड फिनिश है वो भी चेक कर लीजिएगा। एंड ये एक बेसिक थिंग है, बाकी ये इस पे मेड इन यूएसए लिख के लिखा हुआ आता है, तो वो भी आप जरूर से चेक कीजिएगा। तो गाइज यही सारी चीजें हैं जिस तरीके से आप जो है पहचान सकते हो आपका जो एयर फिल्टर है वो नकली है या असली है। बाकी यार ये चीज बोलना चाहूंगा कि कोई भी डुप्लीकेट एयर फिल्टर आप यूज ना करें अपनी बाइक पर, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होते। अभी ये कैनन का फिल्टर है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, मार्केट में काफी ज्यादा नाम है इस एयर फिल्टर का, और इसका जो परफॉर्मेंस बेनिफिट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जिस वजह से मैं खुद ये चीज अपनी बाइक पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो जो आप डुप्लीकेट यूज करोगे तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होगा। तो उसके अंदर वो एयर फिल्टर अगर आप लगा रहे हो तो कितना कचरा आपकी कंबशन चेम्बर के अंदर जा रहा है यू डोंट नो, क्योंकि आप वो अंदर लगा दोगे बाइक के अंदर और आप उसको कभी देखने भी नहीं वाले हो। 15,000 या 20,000 किलोमीटर तक आप उसको देखने भी नहीं वाले हो, तो तब तक आपका जो इंजन में माल चूत गई। सो आफ्टर मार्केट अगर आप एयर फिल्टर लगा रहे हो तो रेप्यूटेड कंपनी का ही लगाइए, डुप्लीकेट ना मत लगाइए। तो गाइस सारी चीजें डिस्कस कर दिए, प्रोज एंड कॉन बेनिफिट, सारी चीजें असली नकली कैसे चेक करोगे वो सारी चीजें डिस्कस कर दिए। बाकी यार कैनन फिल्टर में इसीलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ कि इसका जो है मार्केट में काफी ज्यादा नाम है, एंड जो परफॉर्मेंस बेनिफिट है ये काफी अच्छा है अदर एयर फिल्टर्स के हिसाब से, तो इस वजह से मैं कैनन यूज कर रहा हूँ। एंड इसका जो भी रहेगा रिव्यू वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी यार ये तो था मेरा कुछ इसके एयर फिल्टर क्या होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स है उसके बारे में मैं डिस्कस किया है। बाकी इसका इंस्टॉलेशन वीडियो भी मैं आगे डालने वाला हूँ, तो वो भी अगर आपको चेकआउट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आगे मैं इसके बाद माइलेज टेस्ट भी करने वाला हूँ, तो वो सारी चीजें अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी यही था कुछ लर्निंग्स मेरे पास से आपके लिए एयर फिल्टर के ऊपर। हर वीडियो में मैं अपने यही की चीज बोलता हूँ, हसल रहो, हसल करो, मिलते अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।